सो डियर स्टूडेंट्स लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड एज शोन. तो एक पार्टिकल एक सर्कल में रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से एज शोन. सो दिस इज द सेंस इन विच इट इज़ रोटेटिंग. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजन. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन इज. तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमको पता लगाना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन. तो अगर मैं देखूँ पार्टिकल की वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर ये है, वेलोसिटी वेक्टर ये है, राइट. तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम आर क्रॉस वी. तो अगर वो अलग अलग पोजीशंस पे है, अगर कभी उसकी पोजीशन ये भी होगी, राइट, और यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, फिर कभी उसकी पोजीशन ये भी होगी, राइट, और उस टाइम उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी. तो हर टाइम पे उसकी वेलोसिटी बदल रही है, हर पोजीशन पे अलग अलग. अगर यहाँ पे होगा तो उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, ये r वेक्टर हो जाएगा आपका और ये v वेक्टर हो जाएगा. तो r वेक्टर और v वेक्टर कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, हर पॉइंट पे अलग अलग r और v वेक्टर होंगे. तो इसीलिए l वेक्टर भी जो है वो चेंज होता रहेगा. आपको पता है v क्यों चेंज होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्यों चेंज होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे अलग डायरेक्शन है. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला तो वेलोसिटी बदली. ऐसे ही r पोजीशन वेक्टर अलग अलग पॉइंट दूर है ना, सारे जो सर्कल, जिस सर्कल के अबाउट ये घूम रहा है, जिस सर्कल पे ये घूम रहा है, उस सर्कल का हर पॉइंट का अलग अलग पोजीशन है सेंटर से, राइट. तो इसलिए r भी अलग है, v भी अलग है, तो इसलिए l भी हर पॉइंट का अलग अलग आएगा. तो जो l होगा वो वेरिएबल होगा इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. तो r जो l जो है वो डायरेक्शन में भी अलग अलग आएगा और मैग्नीट्यूड में भी अलग अलग आएगा. सो दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कीप वॉचिंग सिमरन सर फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.